નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર ધોરણ નવની અંદર હિન્દી વિષયની અંદર આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ જેમાં અલગ અલગ પાઠ છે જોતા આવે છે ખાસ કરીને એમના જે પ્રશ્નોત્તર છે એ પ્રશ્નોત્તર જોતા આવે છે એમાં પાઠ ચોથો છે કર્ણકાર જીવન દર્શન હે આ પાઠને લગતા જે પદ્ય છે બરાબર કાવ્યને લગતું જે છે એ કાવ્ય આપેલું છે રામધારી સિંહ જન્મ છે એમનો સન ઓગણીસો આઠમાં નિધન છે સન ઓગણીસો ચુમ્મોતેરમાં આ પદ્ય છે એટલે કે કાવ્ય છે એના આધારે જે આપણે વાત કરી રહ્યા તો એમના જે મુખ્ય પ્રશ્નોત્તર છે જેમાં સ્વાધીનને લગતા પ્રશ્નોત્તર ને સાથે અલગ અલગ પરીક્ષામાં પૂછાય એવા મોસ્ટ ટાઈમ બી પ્રશ્નોત્તર છે એ દરેક પ્રશ્નોત્તર આપણે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરવાની છીએ તો अंत सुधी विडियो जो, जो विडियो तो लाइक करजो कमेंट करजो शेर करजो तर मित्रों ने जी निम्न आ प्रश्नों उपयोगी थाय अलग अलग प्रश्नोत्तर से जोता जाइए जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाँच वाक्यों में लिखिए लिखी पेलुँ कर्ण को राज्य की इच्छा क्यों नहीं है जवाब कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है वैभव विलास में उसकी रुचि नहीं है राज्य मिलने पर सिर पर अनेक चिंताएं सवार हो जाती है बस थोड़े समय के लिए हंसी खुशी चमक दमक और लोग भोग-विलास की सामग्री उपलब्ध हो जाती है कर्ण इन क्षण भंगुर वस्तुओं को तुच्छ समझता है इसलिए उसे राज्य की इच्छा नहीं है दूसरा दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है उसका उत्तर आएगा दानी पुरुष धन दौलत को संग्रह करने की वस्तु नहीं मानते वे अपना धन दूसरों को बांटने में ही रुचि रखते हैं वे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं दूसरों को देने में संकोच नहीं करते वे किसी से कुछ लेते नहीं वे दूसरों को देने में सुख का अनुभव करते हैं इस प्रकार दानी पुरुषों का स्वभाव दयालु और उदार होता है तीसरा वाला है कर्ण गरुड़ को अपना आदर्श क्यों मानता है अथवा ऐसे भी पूछा सकता है पूछा जा सकता है कि कर्ण स्वयं को गरुड़ क्यों मानता है उसका उत्तर लिख सकते हैं गरुड़ कबूतरों की तरह महलों में महलों के सुनहरे शिखरों में रहना पसंद नहीं करता वह पहाड़ों या चट्टानों की दरारों में रहता है नागपात से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में ही होती है कर्ण का स्वभाव भी गरुड़ के साम गरुड़ के समान है राजपाट और विलास को वह पसंद नहीं करता और मित्र दुर्योधन को युद्ध के नाकपात से छुड़ाना चाहता है इस प्रकार गरुड़ जैसा स्वभाव होने के कारण कर्ण उसे अपना आदर्श मानता है बाद में चौथा प्रश्न है सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की क्या दशा होती है उसका उत्तर लिख सकते हैं सुख समृद्धि के अधीन रहने से मनुष्य धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है राजपाट राजमुकुट और मणिमय सिंहासन उसका तेज हर लेते हैं उसकी वैभव पाने की लालसा प्रतिदिन बढ़ती जाती है परंतु यही लालसा अंत में उसका विनाश करती है इस प्रकार सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की अंत में दुर्दशा होती है बाद में पांचवा क्वेश्चन है कैसा व्यक्ति पुरुष नहीं कहता कहला सकता उसका उत्तर लिख सकते हैं चांदनी रात का आनंद लेने वाला और फूलों की छाया में पलने वाला व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से भाग्यवान होता है ऐसाराम का जीवन उसे सुंदर कोमल बना देता है परंतु ऐसे व्यक्ति में साहस और पौरुष नहीं होता पौरुष पाने के लिए कष्टों का अमृत पीना पड़ता है आंधी और धूप सहन करनी पड़ती है संघर्षों में जीकर विघ्नों पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही पुरुष कहलाता है प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखना है पहला वाला जो है वो स्वाध्याय का है जो निशानी है स्टार वाली वो सभी स्वाध्याय के प्रश्न है ऐसे जो भी निशानी वाले है, सब भी स्वाध्यय के प्रश्न है पहले वाला है वैभव से क्या प्राप्त होता है उसका उत्तर लिख सकते हैं वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है इसके अतिरिक्त तो उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग भोगविलास भी प्राप्त होते हैं दूसरा वाला है गरुड़ कहाँ रहता है तो उसका उत्तर लिख सकते हैं गरुड़ है वो पहाड़ों में निवास करता है चट्टानों की फटी दरारे ही उसका घर होती है तीसरा प्रश्न है परोपकारी मनुष्य क्या कहते हैं उसका उत्तर लिख सकते हैं परोपकारी मनुष्य धन का कभी संग्रह नहीं करते वे अपने धन को जरूरत जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं चौथा वाला प्रश्न है कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता उसका उत्तर लिख सकते हैं दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है इसलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता प्रश्न नंबर तीन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए पहला प्रश्न है कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है उसका उत्तर लिख सकते हैं कर्ण की एकमात्र इच्छा है कि उसके हाथों से सदा दान की निर्मल सरिता बढ़ती रहे और निर्धन के निर्धनों के दुख हरती रहे दूसरा प्रश्न है किस तरह के लोग कंचन का भार नहीं ढोते उसका उत्तर लिख सकते हैं कर्ण जैसे दानी पुरुष कंचन का भार नहीं ढोते तीसरा प्रश्न है तीसरा और चौथा और सातवें के प्रश्न है तीसरा वाला है धन संपत्ति किस लिए है उसका उत्तर है धन संपत्ति परोपकार के लिए है चौथा वाला प्रश्न है सुख समृद्धि के अधीन मानव क्या होता है उसका उत्तर है सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है पांचवा वाला प्रश्न भी स्वाध्याय का है फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं उसका उत्तर है फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुषी छुड़ाते हैं छठा प्रश्न है, है कर्ण स्वयं को किसके समान बता है, बताता है उसका उत्तर है कर्ण स्वयं को पक्षीराज गरुड़ के समान बताता है सातवां प्रश्न है कर्णों को कौन सा अहिपाश काटना है उसका उत्तर है कर्णों को दुर्योधन पर आई विपत्ति रूप अहिपाश काटना है आठवां है वैभव हेतु ललचाने का क्या परिणाम होता है उसका उत्तर है वैभव हेतु ललचाने का यह परिणाम होता है कि वह लालच ही मनुष्य को नष्ट कर देता है नौवां वाला प्रश्न है दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है उसका उत्तर है दानी पुरुषों का स्वभाव दयालु और उदार होता है बाद में स्वादेय का प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा है टिप्पणी लिखिए पहले वाला है कर्णक अभिलाषा कर्णक अभिलाषा क्या थी तो उसका उत्तर लिख सकते है कर्ण दानी पुरुष है वह प्रतिदिन जरूरतमंदों को दान देता है उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है वैभव पाकर विलास में जीने जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है वह दयालु और उदार का है गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है उसकी यही अभिलाषा के है कि वह अपनी दान रुति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे दूसरा वाला है उसमें टिप्पणी करना है कर्ण का मित्र धर्म उसका उत्तर है का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्रीकृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी किया परंतु कर्ण ने उस उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने धर्म का पालन किया प्रश्न नंबर पांचवां है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए वो स्वादी का प्रश्न है उसमें पहला है विलास की चाह नहीं अपनी कोई परवाह नहीं बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल करतल करतल से झरती रहे सदा निर्धन को भरती रहे सदा इस काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है तो उसका उत्तर लिख सकते हैं कर्ण श्री, श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है मुझे दान देने में रुचि है इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूँ और उनके दुख दूर करता रहूँ उसके बाद दूसरी का जो है पंक्ति उसमें हम देख सकते हैं क्या लिखा है मैं गरुड़ कृष्ण में मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज सिर पर न चाहिए मुझे ताज दुर्योधन पर है विपद घोर सकता न किसी विघ उसे छोड़ रणखेद पाटना है मुझको अ पास काटना है मुझको तो उसका उत्तर लिख सकते हैं श्री श्रीकृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है इस समय दुर्योधन भारी संकट में है युद्धरूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है प्रश्न नंबर छ है वो भी स्वादी का ही प्रश्न है अंदाज अपना 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 मत स्पष्ट कीजिए पहला वाला है यदि कोई जरूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करोगे उसका उत्तर लिख सकते हैं यदि कोई जरूरतमंद इंसान मुझसे मदद मांगे तो पहले मैं उसकी जरूरत के बारे में पूछूंगा यदि मुझे उसकी जरूरत सच्ची लगी तो मैं अवश्य उसकी मदद करूंगा मदद करने में यदि दूसरों के सहयोग की आवश्यकता हुई तो उनका सहयोग भी लेने में मैं संकोच नहीं करूंगा दूसरा वाला प्रश्न है आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करोगे उसका उत्तर लिख सकते हैं संकट में पड़े हुए मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है इस कर्तव्य का पालन करते ही करके ही मैं मित्र धर्म को निभा सकता हूँ अपने आप को सच्चा दोस्त साबित कर सकता हूँ इसलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में मैं कोई कसर न रखूंगा तीसरा वाला है आपके पास जरूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो आप क्या करोगे उसका उत्तर लिख सकते हैं अपने पास जरूरत से ज़्यादा धन सम्पत्ति है होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा मैं अनाथाश्रम के मैं वहाँ के ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर लवा दूंगा, प्यासों के लिए प्यास प्याऊ बनवा बनाऊंगा और गरीबों को अनुदान दूंगा। इस प्रकार अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरे दूसरों के दुख दूर करने में करूंगा। उसके बाद स्वादेय का प्रश्न सातवा है वो स्वादेय का प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए पहला वाला है अत्यल्प मतलब क्या होगा तो उसका अर्थ है बहुत थोड़ा उसका वाक्य है सांसारिक विलास अत्यल्प सुख देते हैं दूसरा वाला है चाकचिक्कीय तो उसका अर्थ होता है चमक चकाचौद उसका वाक्य लिख सकते हैं देहाती मित्र मुंबई की चाकचिक्की पर मुग्ध हो गया तीसरा वाला है कनकाब उसका अर्थ है सुनहले सुनहले उसका वाक्य है राज राजमहल के कन शिखर हमारा ध्यान कर रहे थे चौथा वाला है तपहक्षीण मतलब प्रभावहीन उसका वाक्य है साप के प्रभाव से मुनि तुरंत तपह क्षीण हो गए पांचवाला है क्लेश उसका मतलब है कष्ट वेदना वाक्य है पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा कलेश हुआ छठा वाला है झंझावात मतलब तूफान वाक्य है बर्फीले झंझावातों में भी हमारे सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए है सात वाला है फणीबंद मतलब है नागपास वाक्य है पता नहीं संकट से संकट के इस फणीबंद से हमें कौन छुड़ाएगा प्रश्न नंबर आठ है वो भी स्वाध्याय का प्रश्न ये है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों कोष्ठक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है तो सुखो भोग अथेली प्रचुर दरज आंधी पानी गरल चट्टान उसका सबका इसमें दिया हुआ शब्दों में से ढूंढकर समानार्थी शब्द यह लिखना है ठीक है तो और वाक्य प्रयोग भी करते जाए पहला वाला है सुखोपभोग मतलब विलास वाक्य है राजा सदा विलास में डूबा रहता था दूसरा वाला है हथेली मतलब करतल बच्चे का करतल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया तीसरा वाला है प्रचुर मतलब प्रभुत वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रभुत संपत्ति थी चौथा वाला है दरज मतलब दरार गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है पाँचवा वाला है आंधी मतलब अंधड़ सारी रात अंधड़ ने कहरा कहर मचा दिया वाला है पानी मतलब वारी सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए साथ वाला है गरल मतलब विष देखते ही देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में फैल गया आठ वाला है चट्टान मतलब सेल सेल से उस पार झरना था तो विद्यार्थी मित्रों हम तक ख्याल से कि अलग अलग प्रश्नों जवाब स्वादेह लगता એ પ્રશ્નના જવાબમાં શું જવાબો આવે છે આવનારી પરીક્ષા માટે પણ આવા પ્રશ્નો છે પૂછાતા હોય છે તો મોસ્ટ ટાઈમ આપી પ્રશ્નો કહી શકીએ સ્વાધ્યાય અને પરીક્ષામાં ઉપયોગી થાય એ રીતે વિડીયો છે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો જેથી કરીને એમને પણ આ પ્રશ્નોના જવાબ ખ્યાલ આવે અલગ અલગ પ્રશ્નોની અંદર શું જવાબો આવે છે સાથે ચેનલને હજી સબસ્ક્રાઈબ નથી કરેલી એ વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બે લાઇકન દબાવી દેજો સબસ્ક્રાઈબ કરવાથી તમને જે વિડીયોઝ મુકાઈ રહ્યા છે એ મુકાયેલા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન આવી જાય એના માટે સબસ્ક્રાઈબ કરવું જરૂરી છે એ પણ ફ્રી ઓફ છે તો અલગ અલગ સબસ્ક્રિપ્શન દ્વારા તમને નોટિફિકેશન આવી જશે કે આ વિડીયો મુકાયેલ છે તાત્કાલિક તમે તે વિડીયો જોઈ શકો બરાબર અલગ અલગ વિડીયોઝ છે જોતા રહેજો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો કોમેન્ટ કરજો શેર કરજો ઉપર પ્લેલિસ્ટની અંદર તમારા ધોરણ પ્રમાણેના પ્લેલિસ્ટ છે ઘણા બધા બધા પ્લેલિસ્ટમાં તમે જોજો તમને ઉપયોગી થાય પણ વિડીયોઝ છે બરાબર चौता रहो थैंक यू वेरी मच कर्जी रखो टेक केयर